स्वागत है आपका आज भारत दर्शन पार्क में। आज मैं आपको भारत दर्शन पार्क लेके आया हूं। भारत दर्शन पार्क जो कि स्क्रैप से लगभग 22 रेप्लिकाएं बनी हुई हैं, इसे 200 मजदूरों ने मिलकर बनाया है, जिसे 22 महीने लगे हैं बनने में। भारत के सबसे फेमस प्लेसेस दिखाए गए हैं स्क्रैप के द्वारा, जो मैं आज एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो यहीं से शुरू करेंगे अपने वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले आप यहां से देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की शान है। यह स्मारक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। आज यह मुंबई की शान माना जाता है। और यहां से आप ये देख सकते हैं बनियन ट्री, वट वृक्ष, दिव्य वृक्ष है। द बनियन ट्री बरगद का पेड़ की हिंदू धर्म में शाश्वत जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों के रूप में माना जाता है। यहां से देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से स्क्रैप के द्वारा दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दिखाया गया है। और यहीं से अभी मैंने ये छोटी सी एक हिस्ट्री भी यहां से ली है। यहां पे आप पॉज करके इसको इजीली यहां पे पढ़ सकते हैं। और यहां से आप चलेंगे हम आगे, ये देख सकते हैं ये है हमारा हवा महल। खिड़कियों का जालीदार इतिहास, जयपुर की सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल एक पंच मंजिला इमारत है। पिरामिड के आकार के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी है। इसे लाल और गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। ये देखिए, जब आप जयपुर जाएंगे तो सामने ही आपको मेन रोड पे ही देखने को मिलेगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारे देश का सबसे बड़ा गुंबद, इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना। गोल गुंबद भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। गुंबद की खासियत यह है कि इसे बिना किसी स्तंभ से खड़ा किया गया है। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहां से चलेंगे अब हम कुतुब मीनार। और ये देख सकते हैं, ये है कुतुब मीनार, विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनार। कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। भारत में ये मीनार भारत में एक नए शासक की शुरुआत और उसकी ताकत को इंगित करता है। ये देख सकते हैं यहीं पे, इसकी पॉज करके आप हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। और ये है हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार यूनिवर्सिटी, विच इज वेरी फेमस। बिहार की 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जो कि बौद्ध धर्म को दर्शाती है। देखिए कितनी खूबसूरती से इसको दर्शाया गया और दिखाया गया है थ्रू टू स्क्रैप के द्वारा। और यहां से ये देख सकते हैं, ये है मीनाक्षी टेम्पल। मदुरा में स्थित मीनाक्षी द्रविड वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसमें आयरम काल मंडपम हॉल हाइजेंट पिलर्स हजारों स्तंभों का हाल है जो इसका आकर्षक है। यहां से पोज करके आप ये इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और अब यहां से हम चलेंगे बद्रीनाथ टेम्पल की ओर, किस तरह से स्क्रैप के द्वारा चीजों को दर्शाया गया है यहीं से ये देख सकते हैं। ये है हमारा बद्रीनाथ टेम्पल, देवताओं की निवास की यात्रा बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह चार धाम और छोटे चार धाम दोनों यात्राओं का हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियों पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां से आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। और अब यहां से अब हम चलेंगे, यह साल में एक दिन के लिए खुला बनारस के रामनगर के किला का श्यामवरण हनुमान मंदिर है, जो कि बहुत ही फेमस है। यहां से देख सकते हैं किस तरह से इसको दिखाया गया है। देखिए, और यहां से अब ये देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, कितनी खूबसूरती के साथ इसको मेंटेन किया गया है। और यहां सामने ही लिखा गया है भारत दर्शन पार्क, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आप रात में आते हैं तो इसको, इसमें लाइटें भी जलती है, आप पूरा इसको देख सकते हैं यहां से। और यहां अब आप आ गए हैं रामेश्वरम मंदिर। तमिलनाडु में स्थित 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वर मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है।
यह चार धाम तीर्थ यात्रा का भी हिस्सा है, यह चार धाम तीर्थ यात्रा का भी हिस्सा माना जाता है और तमिलनाडु का बहुत ही फेमस टेंपल माना जाता है। और यह है जगन्नाथ पुरी, चार धाम में एक स्थित नाम ओडिशा में स्थित जगन्नाथ पुरी टेंपल। यह भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और वह सुभद्रा को भी पूजा की जाती है। यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्थल है और यहाँ से आप पॉज करके इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और यहीं से अब चलेंगे आप महाबत प्लेस, और ये है हमारा महाबत पैलेस जो कि गुजरात में स्थित है। 10वीं सदी में बना महाबत मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदरता को दर्शाता है। बहुत ही खूबसूरत, जब आप इसको रियल में गुजरात में जाकर देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है ये पैलेस। ये देखिए किस तरह से स्क्रैप के द्वारा इन चीजों को दिखाया गया है, कितनी खूबसूरती से दर्शाया गया है, यहां से आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, और अब यहां से आप ये देख सकते हैं सांची स्तूप, सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक। सांची भारत की सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित मध्य प्रदेश सांची की पहाड़ी पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। बहुत ही खूबसूरती तरीके से दिखाया गया इसको, और यहां से आप पोस्ट करके इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, यहां से देख सकते हैं। ये देखिए, और यहां से ये देख सकते हैं, जब थोड़ा सा आप आगे चल के जाएंगे तो बीच में ही एक लाल किले के रूप में एक बहुत खूबसूरत टेंपल की तरह ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये देखिए, यहां से ये है मेनू, यहां से आप बैठ के इजली फैमिली के साथ कुछ भी खा पी सकते हैं। और यहां से ये देख सकते हैं, ये है चार मीनार। हैदराबाद की पहचान सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दिखाया गया है स्क्रैप के द्वारा। ये देखिए, यहाँ से पॉज करके आप इसकी हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। और बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने इसको क्लिप लेने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश करी है, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, और यहां से अब हम यहाँ आ गए हैं सूर्य मंदिर। ओडिशा के कोणार्क में स्थित ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। कलिक वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। 13वीं सदी में बनाया गया यह मंदिर सूर्य रथ का चित्रण है। और यहां से आप ये देख सकते हैं, 60 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई हुई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाएं का समूह है जो बौद्ध धर्म को दर्शाता है। यहीं से आप बाहर ये बौद्ध धर्म का स्टैचू देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इसको दिखाया गया है स्क्रैप के द्वारा। ये देखिए, कहीं से आप इसको पॉज करके इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ यहीं से अब हम चलेंगे हम खजुराहो मंदिर, जो कि भगवान शिव को एक प्रतीकात्मक नाम से है। इसका नाम बिच्छू धाक से रखा गया है। इसका निर्माण 1950 ईस्वी में 150 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के दौरान किया गया था। और इसी के साथ ही अब मैं यहाँ से आपसे इजाजत लूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगा एक नई जर्नी के साथ, नए वीडियो के साथ। गुड बाय।